ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई विपक्ष के नेताओं के घर पे सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का कुछ न कुछ कार्रवाई के नाम पे होता रहा, जिसमें कुछ मिलता नहीं है, निकलता नहीं है, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर बातें की जाती है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। राजस्व पीमो लालू प्रसाद यादव के सपोर्ट में इस वक्त कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है। आपको बताएं कि जिस तरह से सीबीआई की छापेमारी पड़ी है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का साफ तौर से कहना है कि ये पूरा जो मामला है वो बेवजह घसीटा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव अगर दोषी थे तो आखिर सीबीआई इतने सालों से चुपचाप क्यों बैठी हुई थी? अगर कार्रवाई करनी थी तो सीबीआई ने पहले ही ये कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसे में हमारी रिपोर्टर वंदना ने क्या कुछ बातचीत की है कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा से, और साथ ही साथ किस बेवाक तरीके से प्रेमचंद मिश्रा ने जवाब भी दिया है, सुनवाते हैं। क्या देखिए, पिछले 7-8 वर्षों से सरकारी एजेंसियों को बड़े पैमाने पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत दुरुपयोग हो रहा है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई विपक्ष के नेताओं के घर पे सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का कुछ न कुछ कार्रवाई के नाम पे होता रहा, जिसमें कुछ मिलता नहीं है, निकलता नहीं है, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर बातें की जाती हैं, इससे विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है। मैं समझता हूँ सरकारी एजेंसियाँ कम से कम ऐसे मामलों से उन्हें परहेज करना चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टी के नेता ने कोई गड़बड़ी किया है तो उसकी जांच हो, किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि सीबीआई के ही अदालत ने लालू प्रसाद जी को ऑलरेडी कई मामलों में सजा दिया हुआ, तो अब क्या जरूरत थी जो आप इनके सभी ठिकानों पर छवा दे रहे हैं? इतना दिन से आपने क्या किया? ये इस तरह की घटनाएं कई प्रकार के सवालों को खड़ा करती हैं, और लोगों के मन में शंका होती है कहीं ना कहीं बिना वजह लालू प्रसाद जी या उनके पार्टी या उनके परिवार को परेशान करने की कोशिश है। राजद का यह आरोप है कि बीजेपी एक फिर से दो निशाना साधा है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ी, और दूसरी तरफ जो है ये भी कहा जा रहा है कि इतने कड़े मुद्दे को बीजेपी को उखाड़ना कहीं ना कहीं बिहार के सियासत में जो है वो डराना चाह रही है, धमकाना चाह रही है, नीतीश कुमार को भी इससे चेतावनी दे रही है। आरजेडी के लोग क्या बोल रहे हैं वो मैंने नहीं देखा है, लेकिन कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि जब सीबीआई ने खुद ही लालू प्रसाद से जुड़े कई मामलों का पिछले कई सालों से जांच किया है, सीबीआई की अदालत ने उनको कई मामलों में सजा दिया है, अब ये कौन सा चीज़ छूट गया था जिसके लिए आपको छापा मारना पड़ा? इन सवालों का जवाब केंद्र सरकार के लोगों को, केंद्र सरकार की एजेंसियों को देना चाहिए। किस उद्देश्यों से इस तरह के छापे मारे जा रहे हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं पर, लेकिन ये सच है विपक्ष के कई नेताओं के ऊपर कई बार इस तरह की एजेंसियां कार्रवाई करती रही हैं, यह गलत संदेश दे रहा है। ऐसे मामलों से आप विपक्ष की आवाज़ को दबा नहीं सकते, ये गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है, और मैं समझता हूँ जो लोग ऐसा करवा रहे हैं उन्हें भी इस स्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। कल को ऐसे लोग भी जब विपक्ष में आएंगे तो हो सकता है उनके विरुद्ध भी इस तरह की कार्रवाई हो।